अब आप में से बहुत से दर्शकों को भारतीय टेलीविजन का वो दौर तो याद होगा ही जब लगभग सभी कार्यक्रमों के नाम क से शुरू हो रहे थे। अब उन टेलीविजन प्रोग्राम्स का हमारे आज के शो से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस ब्रांड की सवारी आज हम चलाने वाले हैं उसका भी अपनी गाड़ियों के नाम को रखने की प्रक्रिया कुछ लगभग वैसी ही है, क्योंकि उनके सभी गाड़ियों के नाम लगभग उसी तरह हैं, चाहे वो बलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, मर्राजो हो, XUV 500 हो, KUV 100 हो या महिंद्रा की XUV 300। महिंद्रा की XUV 300 हमारे बगल में, हालांकि महिंद्रा ने अभी इसकी कीमतों का ऐलान नहीं किया है, फरवरी के मिड में इसकी कीमतों का ऐलान इसका लॉन्च होगा, लेकिन आज ये गाड़ी हमारे साथ है और हम आपको बताते हैं इसके लुक्स, इसके फीचर्स कैसे हैं। तो शुरुआत इसके चेहरे से करते हैं। यहाँ पर इसका फ्रंट ग्रिल जो दिया गया है इसमें काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और ये XUV 500 वाला ही एक ग्रिल है, हालांकि उसका ग्रिल XUV 500 का थोड़ा इससे बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा ग्रिल है, लेकिन ये ग्रिल वाकई में सामने से बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर इसकी ये हेडलाइट्स दी गई हैं, ये यहाँ पर इसके DRLs हैं, यहाँ पर LED DRLs, HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं। इसकी फ्रंट की लुक है उसमें ये लाइट जब रात को ऑन होती है ये वाकई में देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी ये आपको एक नया इसमें फील देगी XUV 300 में। और यहाँ पर इसके ये फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं, हालांकि फॉग लैम्प्स LED नहीं हैं। और फिर यहाँ पर इसका ये बम्पर है और यहाँ पर इसके ये हॉरिजॉन्टल ये क्रोम लाइंस यहाँ पर भी दी गई हैं और इसके बम्पर के यहाँ पर नीचे ये सिल्वर कलर का टच यहाँ पर भी दिया गया है। ये लाल रंग की गाड़ी हमारे साथ है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये ड्यूअल टोन गाड़ी है, इसका रूफ आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का है। फिर हम इसकी साइड प्रोफाइल को देखते हैं और साइड में सबसे पहले आपको बताते हैं इसके 17 इंच के टायर इस XUV 300 में दिए गए हैं विद डायमंड कट एलॉय व्हील्स। फिर आपको इस गाड़ी में चारों तरफ यहाँ पर फ्रंट से लेकर यहाँ पर साइड में ये ब्लैक क्लैडिंग इस गाड़ी के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक भी दे रही है। फिर यहाँ पर इसके ORVM विद इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अब इसके ORVM की एक खास बात है, ये नॉर्मल ORVMs नहीं हैं, ये हीटेड ORVMs हैं, जो कि अगर यहाँ पर इनके शीशों पर अगर आपको धुंध या कुछ फॉग जमा हुआ है तो ये हीटेड ORVMs उस टाइम पे काफ़ी काम के साबित हो सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके AB और C पिलर्स तीनों में आपको काले रंग का टच दिया गया है। अब इस XUV 300 का पीछे से लुक देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बड़ी सी XUV 300 की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, यहाँ महिंद्रा की बैजिंग और ये W8 वेरिएंट, जैसा कि हमने आपको बताया W8 वेरिएंट हमारे साथ है। और यहाँ पर इसकी रियर लाइट्स दी गई हैं, ये भी आपको काफ़ी नया लुक इसके रियर लाइट्स में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर इसके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं यहाँ पर और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा इधर ऊपर की तरफ यहाँ दिया गया है। फिर इसके बम्पर में भी आपको वही ड्यूअल टोन इसके स्किड प्लेट में आपको यहाँ पर सिल्वर कलर का स्किड प्लेट दिया गया है। अब इस गाड़ी के बूट को देखते हैं, हालांकि महिंद्रा ने हमें अभी ये जानकारी नहीं दी है कि इसके बूट में एक्चुअल स्पेस कितना है, महिंद्रा ने कहा है ये हम लॉन्च के दौरान ही बताएंगे, तो डिसेंट स्पेस लेकिन अभी फिलहाल ये देखने में लग रहा है। तो ओवरऑल ये पीछे से कुछ इसका ऐसा लुक है और पीछे से वाकई में आपको इसके लुक में एक नयापन, एक फ्रेश इसका लुक बाकी जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनके मुकाबले देखने को मिलेगा। अब इस XUV 300 की अगली कतार में हम बैठे हैं और सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं और शुरुआत में ही सबसे पहले आपको इसका ये 7 इंच का ये डिस्प्ले यहाँ पर ये दिया गया है, इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है और इसमें भी आपको काफ़ी फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन, नेविगेशन का ऑप्शन है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कापले भी दिया गया है। फिर एक चीज़ इस डिस्प्ले की ये भी है, ये एक महिंद्रा का महिंद्रा सेंस ऐप है, उससे एक आपके फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड करके आप उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं और ये डिस्प्ले आपकी स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट हो सकता है, तो आप इसके ऑडियो कंट्रोल, इसके क्लाइमेट कंट्रोल अपनी स्मार्ट वॉच से भी उसको फंक्शनिंग उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। AC के यहाँ नॉब्स दिए गए हैं, हालांकि एक चीज़ जो मुझे इस पूरी गाड़ी में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली, इस गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश है वाकई में
टॉप क्वालिटी की है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी प्लेटफॉर्म, इसका बेस सैंगयोंग की तिवोली के ऊपर बना है, तो फिट और फिनिश के मामले में मुझे इस गाड़ी ने काफ़ी इम्प्रेस किया है। एक चीज़ फिर भी मुझे थोड़ा बहुत इसके यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिली, जो मुझे थोड़ा लगा कि ये थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, यहाँ पर जो इसके एसी के बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर, और फिर ये चीज़ तो मुझे थोड़ी बहुत लगता था जहाँ पर एक सुधार हो सकता है। फिर इसमें ड्यूअल जोन एसी दिया गया है, फिर ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर है, फिर ये यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, ये ऑक्स का पॉइंट और ये एक यूएसबी का पॉइंट यहाँ पर, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर ये इसका 6-स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ये 1.5 लीटर डीजल इंजन का टॉप मॉडल हमारे साथ है, तो इसमें अभी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आपको मैनुअल का विकल्प ही मिलेगा। फिर यहाँ पर ये कुछ आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पर ये आर्म रेस्ट और इसके नीचे भी कुछ सामान रखने की जगह है, और यहाँ पर महिंद्रा ने जैसे हमें दिखाया, यहाँ पर आप अपना टैबलेट या आईपैड यहाँ पर भी रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको ये इसके गियर नॉब के चारों तरफ यहाँ पर डल मेटालिक टच का इस्तेमाल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये इसका ग्लव बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी काफ़ी डीप है ये, तो अच्छा खासा स्पेस इसके ग्लव बॉक्स में भी है, यहाँ पर भी कुछ सामान रखने की जगह है। और डैशबोर्ड की फील भी ऑल इन ऑल आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको चीप फील नहीं होगा। और ये इसके एसी वेंट्स है, साइड एसी वेंट्स यहाँ पर, ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और साइड में डल मेटालिक का टच इसके एसी वेंट्स के साइड में और यहाँ बीच में भी यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर हम आते हैं इसके स्टेयरिंग की बात करते हैं, तो ये लेदर रैप्ड स्टेयरिंग, ये भी इसके भी फिट एंड फिनिश इसकी आपको वाकई में अच्छी देखने में लगेगी। और यहाँ पर इसके ये वॉल्यूम कंट्रोल्स, म्यूट मोड आगे पीछे, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, और ये क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, और वॉइस कमांड भी इसमें दिया गया है इसके स्टेयरिंग में। फिर यहाँ पर ये इसका टैकोमीटर, इसका स्पीडोमीटर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी आप इसके इकोनॉमी स्पीड कितनी है, यहाँ पर एवरेज स्पीड दिखा रहा है, और ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, टेम्परेचर, और यहाँ पर ये सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं यहाँ पर सेट को, तो ये कलर सेटिंग का ऑप्शन आता है, और यहाँ से आप इसके कलर्स बदल सकते हैं। एक चीज़ तो हम दिखाना भूल गए आपको, इसका ये सनरूफ भी यहाँ दिया गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग और नई फीचर्स और चीजें इस एक्सयूवी 300 में आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे इसका ये सनशेड दिया गया है, अगर आप इसको खोलते हैं तो ये लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। फिर यहाँ पर ये इसका ये साइड में ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन है, और यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर जो फ्रंट में दिए गए हैं उसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ये डोर में भी आपको ये पियानो ब्लैक टच दिया गया है, यहाँ पर इसके ये विंडो के बटन्स दिए गए हैं, और इसके दो पॉकेट्स में भी आपको 1 लीटर की बॉटलें आसानी से आप रख सकते हैं। चलते हैं पीछे की कतार में और देखते हैं पीछे किस तरह का स्पेस और किस तरह का लेगरूम हेडरूम दिया गया है। फिर अब बात करते हैं इस एक्सयूवी 300 की पीछे की कतार में तमाम है। फिर आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, और एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से मुझे लगता है कि लेग रूम, हेड रूम और थाई सपोर्ट मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है। अगर आप टांगे फैलाकर बैठे हैं, अगर आगे वाले व्यक्ति की, ड्राइवर की सीट या पैसेंजर की सीट ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं है, तो आप टांगे थोड़ा फैलाकर बैठेंगे, उससे आपसे थाई सपोर्ट सही लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हैं तो थाई सपोर्ट ठीक ठाक मैं कहूँगा, परफेक्ट मैं इसको नहीं कहूँगा। फिर जैसा कि लेग रूम और हेड रूम मैंने बताया कि एवरेज हाइट के हिसाब से मुझे सही लग रहा है, काफ़ी स्पेशियस, पीछे बैठी सवारियों को भी लग सकता है, और 3 लोग मुझे लगता है, एक एडल्ट तो नहीं बैठ सकते लेकिन 2 एडल्ट और एक बीच में एक बच्चा आराम से इस एक्सयूवी 300 में बैठ सकते हैं। बीच में ये एक आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स, जो कि एक अच्छी बात है, और यहाँ पर ये आइसोफिक्स माउंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, और आगे पीछे दोनों जगह ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस एक्सयूवी 300 में मिलेंगे। सीट पॉकेट्स ना होकर यहाँ पर ये कुछ इलास्टिक जैसा कुछ दिया गया है, तो आप बीच में यहाँ कुछ मैगजीन या कुछ आपका जो भी सामान है यहाँ पर फंसा सकते हैं। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब इस
गाड़ी का है इस एक्सयूवी 300 का, अंदर और बाहर से है। अब बारी है इस नई एक्सयूवी 300 की ड्राइव की। चलिए चलते हैं ड्राइव पर। तो अब बात करते हैं इस महिंद्रा XUV 300 के ड्राइव को लेकर, हमें क्या इसमें सही लगा, क्या खामी लगी, उन चीज़ों पर, उन पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसकी ड्राइव की बात करूं मैं, तो इसमें 1.5 लीटर का इंजन लगा है, ये डीजल इंजन वाली गाड़ी। इसका टॉप वेरिएंट हमारे W8 वेरिएंट हमारे साथ है और हम तकरीबन इसको 100-125 किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं और ड्राइव के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई दिक्कत, कोई ताकत के मामले में महसूस नहीं हुई। फिर बात करें इसके, ये तो बात हुई इसकी ताकत की, इसके इंजन की, फिर बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स मुझे लगता है कि इसमें 6-स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स इस डीजल इंजन वाली गाड़ी में दिया गया है, मेरे को इसके गियर बॉक्स में भी कोई ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। स्लॉटिंग काफ़ी सटीक, काफ़ी प्रिसाइज है। लो स्पीड हाई गियर परफॉर्मेंस भी मुझे बेटर लगा, काफ़ी अच्छा लगा। फिर बात करते हैं ब्रेकिंग की। अब ब्रेकिंग में सबसे पहली जो फर्स्ट इन क्लास इस गाड़ी में आपको मिलेगी वो है इसकी चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट इन क्लास चीज़ है और एक वाकई में एक ब्रेकिंग के मामले में एक बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस आपको ये गाड़ी देगी। अब इसमें ABS और EBD ये सब फीचर्स, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो ओवरऑल ब्रेकिंग के मामले में मुझे कोई दिक्कत ऐसी खास कोई महसूस नहीं हुई। फिर बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। जिस तरह की सड़कें हमें यहाँ वेरिएशन सड़कों के मामले में देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से महिंद्रा ने इसकी टेस्टिंग की है, तो सस्पेंशन उस मामले में काफ़ी बेहतरीन, अच्छे से ट्यून किया गया है। एक चीज़ जो हमने आपको इसके इंटीरियर के दौरान बताई थी, जो कि इसकी हैंडलिंग, इसके स्टेयरिंग में जो फीचर दिए गए हैं, 3 मोड दिए गए हैं, एक सॉफ्ट, एक नॉर्मल और एक स्पोर्ट, तो वो भी आपको एक अलग ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देंगे इस महिंद्रा XUV 300 में। फिर अंत में अगर मैं एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर अगर इस गाड़ी को देखूं, अब इसकी हालांकि इसकी कीमतों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, फरवरी के मिड में इसका लॉन्च होना है और इसकी कीमतों का ऐलान भी तभी होगा, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो महिंद्रा इसके लॉन्च के दौरान ही बताएगा। और ये डीजल वेरिएंट हमने चलाया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की कीमतों का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 8-12 लाख के बीच हो सकती है, तो अगर इस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी महिंद्रा बाजार में उतारता है, तो ब्रेजा हो, इको स्पोर्ट हो या फिर टाटा की नेक्सॉन हो, और एक हद तक मुझे लगता है क्रेटा को भी ये कंपटीशन दे सकती है, तो इन सभी गाड़ियों के हिसाब से अगर ये कीमत महिंद्रा इस गाड़ी की रखता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये गाड़ी वाकई में बाकी गाड़ियों के लिए एक चुनौती ज़रूर बन सकती है। तो रफ्तार में वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहिए रफ्तार के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से रफ्तार में आपका स्वागत है, और अब देते हैं आपके उन सवालों के जवाब जो आप हमें रफ्तार के फेसबुक पेज पर या रफ्तार@netv.com पर भेजते हैं। तो सबसे पहला सवाल है संजय कोचर जी का, ये पूछ रहे हैं, मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहता हूँ पेट्रोल में, वरना सियाज और होंडा सिटी में से कौन सी गाड़ी बेहतर होगी? तो संजय जी, हमें लगता है और जहाँ तक इन तीनों गाड़ियों को चलाने के बाद हमारा जो अनुभव रहा है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस, ताकत, लुक्स और फीचर्स के मामले में ह्युंडई की वरना एक सही विकल्प होगा। इसमें आपको ताकतवर इंजन के साथ वेंटिलेटेड सीट्स की सुविधा भी है, जो बाकी दोनों गाड़ियों में आपको नहीं मिलते हैं। हालांकि इन तीनों के पेट्रोल मैनुअल टॉप मॉडल में कीमत के मामले में
मारुति की सियाज सबसे कम प्राइस टैग के साथ आती है। तो अब आपका जिस तरह का बजट है और आपकी जिस तरह की जरूरत है, तो उस हिसाब से आप मारुति की सियाज या हुंडई की वरना में से एक चुनाव कर सकते हैं। अब सवाल है योगेश शुक्ला जी का, ये पूछ रहे हैं कि 6 से 7 लाख के बजट में एक ऑटोमेटिक हैचबैक लेनी है, कौन सी गाड़ी सही होगी। तो योगेश शुक्ला जी, वैसे तो इस बजट में आपको बाजार में काफी विकल्प मिल जाएंगे। हुंडई की नई सेंट्रो, मारुति की स्विफ्ट, वैगन आर, टाटा की टियागो और टिगोर, होंडा की ब्रियो और रेनॉल्ट की क्विड भी। हमें लगता है कि हुंडई ने जो हाल फिलहाल में सेंट्रो का AMT वर्जन लॉन्च किया है, उसके ड्राइव और परफॉर्मेंस ने हमें काफी प्रभावित किया था। हमने सिटी और हाईवे दोनों माहौल में इसको चलाया था और इसमें हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। नई सेंट्रो इसलिए भी सही है क्योंकि कुछ महीने पहले ही इसका लॉन्च हुआ है और इसको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड के फैन नहीं हैं और बेहतर प्रोडक्ट की इच्छा रखते हैं, तो हुंडई की सेंट्रो एक सही चुनाव होगी। तो रफ्तार में वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या आपके कोई सवाल और सुझाव हैं, तो आप हमें रफ्तार के फेसबुक पेज या रफ्तार@ntv.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए रिव्यूज, कुछ नई कहानियां लेकर हम फिर पेश होंगे। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड ड्राइव सेफ।